दयाशंकर सिंह पार्टी से बाहर हो चुके हैं, लेकिन फिर भी उनके तेवर नहीं बदले हैं। बहरहाल अगली खबर का रुख करेंगे। एक तरफ बीजेपी और समाजवादी पार्टी अपनी सियासी गणित फिट कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कल से राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में किसान यात्रा का आगाज करेंगे और इस बार उनकी शुरुआत होगी खाट पंचायत के साथ। इस बार के सियासी रण में बदल गई है कांग्रेस की रणनीति। उत्तर प्रदेश में वो वापस लौट रही है अपनी पुरानी हिंदूवादी छवि की ओर, इसलिए राहुल गांधी सांकेतिक रूप से जनता जनार्दन के पांव छूने से पहले साक्षात जनार्दन के पांव छूने वाले हैं। भगवान शंकर और हनुमान जी से आशीर्वाद लेकर प्रचार के मैदान में उतरेंगे राहुल गांधी। देवरिया जिले के रुद्रपुर से राहुल की किसान यात्रा का पहला पड़ाव भगवान का दरबार होगा, लेकिन रुद्रपुर में जब वो सड़क पर उतरेंगे तो दोनों ओर बने ऊंचे मचानों से भेरी बजेगी और ढोल नगाड़ों के बीच घोड़े चलेंगे। यहां से राहुल किसान रथ में निकलेंगे और सबसे पहले नाथ बाबा के दर्शन कर आशीर्वाद लेंगे। नाथ बाबा को छोटा काशी भी कहते हैं। मंदिर के पुजारी कहते हैं कि इस बार राहुल आएंगे तो जरूर उनकी मनोकामना पूरी होगी। भगवान से हमारी तरफ से यही प्रार्थना है कि उनकी मनोकामनाएं पूरा करें और देश के प्रधानमंत्री पद पर सुशोभित हों। मंगलवार से शुरू होने वाली इस यात्रा के मौके पर राहुल खाट चौपाल लगाएंगे। किसान और खेतिहर मजदूरों से उनकी बातचीत होगी।